नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल, रॉयल राहुल इंडियन से। दोस्तों, हमने 29 मोटर्स की साइकिल दिखाई थी, कुछ प्रीमियम क्वालिटी की, मेक इन इंडिया। कुछ दो लड़के हैं जिन्होंने अपने बहुत ही मेहनत से, खुद की रिसर्च से और बहुत ही अच्छा फ्रेम डिज़ाइन करके और एक टफ प्रीमियम बाइक बनाई थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वापस से 29 मोटर्स की एल्वर की सेकेंड एडिशन। आप देख सकते हैं कि इसका सबसे खासियत है इसके फ्रेम की, हैवी स्टील का बनाया हुआ ये फ्रेम है जो हर रोड कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टूरिंग के लिए, दूर जाने के लिए, ख़राब रास्तों के लिए। इसके बाद इसमें बॉक्स है जिसके अंदर बैटरी रखा गया है, लिथियम आयन 10.5 AH का बैटरी है जो आराम से 40 किलोमीटर का रेंज देता है। उसके बाद इसमें चार्जिंग पोर्ट है, आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि इसके हैंडल बार्स पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ 21 स्पीड के शिमारो के गियर्स हैं, फ्रंट में 3, पीछे 7। बहुत ही अच्छा गियर कंसोल है, आप देख सकते हैं। हैंडल्स बहुत स्लीक बनाया है। इधर इलेक्ट्रॉनिक ऑन के लिए की है, ऑन ऑफ एक्सीलेटर है, इससे आप राइड कर सकते हैं। और यूनिक बात यह है कि इसमें एक नया बेल्ब लगाया गया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसका ये बेल जो कि दिखता नहीं है, आप इसको घुमाइए जैसे आपको बजाना है, बहुत ही अच्छा लगा। ये इन्होंने कुछ यूनिक किया है। उसके बाद फ्रंट में आए अगर हम लोग, इसका सस्पेंशन जो है वो पहले से थोड़ा टफ बनाया गया है, अभी बहुत ही अच्छा स्मूथ सस्पेंशन है। टायर आप देख सकते हैं इसमें रेलसन के 60 TPA का टायर है जो कि हर रोड कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद डिस्क ब्रेक है फ्रंट और रियर में। रियर की तरफ आते हैं, देखिए 250 वॉट्स का मोटर है जो कि वाटर असिस्ट है, डिस्क ब्रेक है यहाँ पे। इसके जो स्टैंड्स आप देख सकते हैं एडजस्टेबल है, कई बार स्टैंड जो है हमारे कुछ दिन के बाद वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं, तो इसको आप एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। शिमारो का ओरिजिनल गियर किट दिया गया है, आप देख सकते हैं, इट्स ओरिजिनल इम्पोर्टेड शिमारो गियर, क्योंकि बहुत सारे कॉपीज़ मिलते हैं, मैं बहुत सारे साइकिल्स में देखा हूँ, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक चीप होते हैं, बस उसमें चलाने में वो कम्फर्ट नहीं मिलता है, शिफ्टिंग में उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, आप यहाँ लोगो है हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया, ये जो बाइक है, साइकिल्स, ई साइकिल, ये टोटली इंडिया में बनाई गई है और खुद डिज़ाइन की गई है, और बाकी जो हैं कंपोनेंट्स मोस्टली यहीं पे तैयार किए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इन हाउस बनाया गया है, और ये ऑन डिमांड अवेलेबल है। 29,990 इसका कॉस्ट है, और इसमें गियर जो है अगर आपको लगवाना है तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और इसमें बहुत सारे एसेसरीज़ के ऑप्शन हैं। तो अभी 29,999, जैसे कि 29 मोटर्स का ब्रांड नेम है, उन्होंने अभी इकोनॉमिक रेंज में स्टार्ट किया है। फ्रेम की क्वालिटी, बैटरी की, टायर की, फ्रेम, उसके बाद गियर्स, मोटर, सब क्वालिटी सेम मिलेगा। बहुत सारे एसेसरीज़ थे जो उन्होंने अभी ऑप्शनल रख दिए हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि एक साथ 40,000-50,000 की साइकिल लोगों को महंगी लगती थी, तो अभी ये विद इन 30,000 साइकिल अवेलेबल है। और बहुत सारे एसेसरीज़ है इसमें ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने एक लाइट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि लोगों का कंप्लेन रहता था कि इसमें लाइट लगा देते हैं, कोई निकाल सकता है, तोड़ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइट है, इसको आप अपने हेलमेट पे या सिर पे ऐसे लगा सकते हैं राइडिंग के टाइम, तो जब आप जहाँ पे सिर घुमाएंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। इसका ब्राइटनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ दिन में मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और इसके साथ एसेसरीज़ में एक स्मार्ट वॉच भी देते हैं वो लोग। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सीट है इसका,
आप देख सकते हैं इसमें 29 मोटर्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी बहुत ही सॉफ्ट सीट है। नॉर्मली हम लोग राइडिंग के लिए जेल सीट्स वगैरह अलग से परचेस करते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा कुछ परचेस करना पड़ेगा। फिर इसका बैटरी का जो बॉक्स है लिथियम आयन का, वो ये है, ये लिथियम आयन बैटरी है। इसके ऊपर से पूरा कवर किया गया है, क्योंकि लिथियम आयन जो है हर टेम्परेचर में आपको चलाना है, गाड़ी धूप में खड़ी रहेगी, तो उसको सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छा डबल बॉक्स प्रोटेक्शन दिया गया है कि ये बॉक्स है और ये एक अलग से बॉक्स है। ये तो बैटरी बहुत सेफ रहेगी, इसके साथ एसेसरीज में आप ले सकते हैं, ये कनेक्टेड रहेगा। तो बाकी मीटर्स जो है वो एक्सपेंसिव था और उसमें खाली स्पीड ही बताता था, लेकिन इसमें आप टाइम के साथ साथ अपने कॉल और ये सब भी मॉनिटर कर सकते हैं, हार्ट रेट वगैरह भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कलर्स बहुत सारे इसमें अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर है मेटालिक में, ये मरून कलर है, देख सकते हैं मैट कलर मरून में, उसके बाद ये मेटालिक कॉपर कलर है ये, और ये ब्लैक कलर जो हमने देखी। तो बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन हैं और इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, और कई एसेसरीज़ भी आएंगे इसमें फ्यूचर में जो आप एक्स्ट्रा एड ऑन ले सकते हैं। तो हम इसको वापस एक बार चला के भी देखेंगे कि अभी कैसी चल रही है और आपको फिर बताते हैं। ये शिमरो का टर्निंग गियर शिफ्टर है, क्योंकि बहुत फेमस है और ये सीट देखते हैं अभी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं और ये इंडिया में तो मुझे देखने को नहीं मिलते। अभी इसका मैनुअली चला के हम लोग देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, मैंने चला के देखा मोटर से, तो पिछले बार भी चलाया था, इसके लिए आज मैंने मैनुअली चलाया क्योंकि मैं देखा मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ। और बिटवीन का एक मैंने अभी देखा डिस्प्ले भी इसमें, मीटर स्पीडोमीटर वगैरह किलोमीटर बताता, ये भी एक्सेसरीज़ में है। और इस बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 30,000 के अंदर पहली एक कंपनी है जो 10.5 एच की बैटरी देती है, जिसका रनिंग आपको 40 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। बाकी जो भी कंपनीज है, लीडिंग ब्रांड्स हैं, वो कॉस्ट तो बहुत अच्छा ले रही हैं, लेकिन उसमें बैटरी बहुत छोटी दे रही हैं, 15-20 किलोमीटर भी नहीं लोग चला पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप कॉस्ट मत देखिए, अगर आप साइकिल के शौकीन हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप प्रैक्टिकली कॉन्टैक्ट करिए डीलर से और चला के देखिए, क्योंकि डिफरेंस उधर है। क्योंकि 30-40-50 हज़ार लोग बोलते हैं कि महंगा है महंगा है, 10 हज़ार की भी साइकिल्स है, बट क्वालिटी है, आप एक बार चला के देखो। और ये खास उनके लिए है जो साइकिल के शौकीन हैं और साइकिल लेना चाहते हैं, ई साइकिल लेना चाहते हैं, गियर साइकिल लेना चाहते हैं, गियरलेस साइकिल लेना चाहते हैं, हर ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। और 30,000 से स्टार्टिंग है, बहुत ही अच्छी प्रीमियम बाइक्स है। इसके फ्रेम की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत सारे एलॉय यूज़ किया गया है ताकि वज़न कम रखा जाए स्टील फ्रेम के बाद भी। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, आपको वेबसाइट इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डीलर का सब मिल जाएगा, आप देख के चला के जैसा रहेगा बता सकते हैं। और इनकी कहीं भी आउटलेट नहीं है मुंबई के अलावा, तो इसके लिए अगर कुछ लोग इनके नाम पे दूसरा चीज़ दे रहे हैं तो वो भी गलत है। इनका होल एंड सोल एक ही मुंबई के डीलर हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है या थाने में आप आके ले सकते हैं इसको। हाँ, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।